क्या मेरी आवाज आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? यस यस यस, वेरी गुड, कम ऑन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप में आप सभी का जो सपोर्ट मिल रहा है, राइट, है ना, जो आप सभी बच्चों का जो सीरियस दिख रहा है मुझे इस एग्ज़ाम के प्रति, राइट, है ना, डेफिनेटली अपने आप में ये सेशन कुछ आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, राइट, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस सेशन को अगर आप लाइव देख रहे हैं, राइट, है ना, तो पढ़ो ऐसे अगर आपके एग्ज़ाम में, अगर आपके एग्ज़ाम में 5 साल बाद भी अगर क्वेश्चंस आए तो शायद आप, सर रीजनिंग की क्लास चल रही है रीजनिंग की क्लास क्यों चलोगी, ढोको लोलो हो क्या है? अभी जो क्लास चल रहा है वो क्लास चलेगा ना, है ना, रीजनिंग की क्लास क्यों चलेगी, राइट, है ना। आज मैं पूरा डिविजिबिलिटी रूल फटाफट मैं ख़त्म करूँगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराना है, राइट, ओके। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार सेशंस को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आवाज़ आ रही है तो फ्री सेशन बाय मी रेगुलर सेशंस को अटेंड कीजिए, रेगुलरली क्लास को अटेंड कीजिए, राइट, है ना। और अपने आप को दिन रात हार्डवर्क कीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए, ओके माय डियर फ्रेंड्स। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर कर दीजिए, राइट। सर एक बार आंसर मैच करवा दीजिए, ठीक है, थैंक यू सर। श्वेता मिश्रा, तो जिसको भी अन अकेडमी पे कोई भी कोर्सेस ज्वाइन करना हो, अन अकेडमी के बहुत सारे टॉपर्स, राइट, है ना, अभी अन अकेडमी आपको 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ फ्री दे रही है। 18 मंथ का एडमिशन लेते हो तो 4 महीने फ्री मिलता है, और आपको फ्री का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है, नहीं तो ज़्यादा ले लो, 2 या 3 साल का ले लो, 6 महीने आपको फ्री मिलेगा। पढ़ने वाले बनना है तो 18 महीने में भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, 12 मंथ में भी सब्सक्रिप्शन लेकर के दिन रात एक करके पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, अच्छे एजुकेटर से पढ़ोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मेरी बात समझ, ये 2 या 3 साल उसके लिए है जो बच्चा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। कितने ऐसे हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, एक बात मुझे बताइए। सभी लोग, राइट, है ना। सर का सस्पिशन लिया था 15 महीने का, सर कल का फाइंड पी वाला क्वेश्चंस करा दीजिए प्लीज, 998 digital by 2 प्लीज, राइट, है ना, वेरी गुड, वेरी, चलो ठीक है, ओके। तो वो आप 2 या 3 साल का लेना, इसी कोड का यूज़ करना, ध्यान से लिख लो, SKS10, राइट, है ना। बाकी मेरे प्यारे बच्चे एक बात और, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो अन अकेडमी की पूरी फ़ी आपको रिफ़ंड हो जाती है, इतना मिनिमम प्राइस में। यहाँ ऑफलाइन में तो भाई 1.5 लाख 2 लाख रुपये फ़ीस है, उससे अच्छा है कि घर बैठे पढ़ो, है ना। आप लोग किस, जहाँ रहते हो आपका नियरेस्ट सिटी क्या है, क्या उस सिटी में लाइब्रेरी, अच्छा किसके किसके गांव में लाइब्रेरी है या गांव के आसपास लिए लाइब्रेरी है? छोटे लाल यादव, यू आर BA LLB थर्ड ईयर स्टूडेंट, राइट, मैं सारा टाइम UPSC को दे रही हूँ, ओके, 4th semester, राइट। सर आपकी क्लास का बारे में आज ही पता चला, ओके, मधुरमा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हमेशा लाइव पढ़ा, राइट, मैं प्राइवेट जॉब करता था, अरे इतने सारे बच्चे सीरियस बच्चे आए हैं, राइट, है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये प्रतिज्ञा बैच आपको लाइव मिलेगा अन अकेडमी पर, अगर कोई भी बच्चा बहुत सीरियस है, राइट, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप मंथली पे करके भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मंथ वाइज, राइट, है ना। अब मंथ पेज कैसे करना है, राइट, इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट होना है, ठीक है, और मुझसे पूछना है कि मैं कैसे ज्वाइन करूँगा, ठीक है। या आपको किसी से भी कॉल आता है तो उस कॉल पे बोलिए कि मैडम SKS10 रेफरल कोड के थ्रू मुझे मंथली ज्वाइन करना है ताकि मैं आपको गाइड और आपको हेल्प कर सकूँ, ओके। सर मैं आपकी सारी लाइव क्लास देखती हूँ, देखना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या है आप लोगों का ऑप्शनल, बाकी अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में ये है कि 9 जुलाई को आपका 11 AM को आपका कॉम्बैट होने वाला है, जहाँ पे 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स के होंगे,
ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिलता है, स्कॉलरशिप सॉरी मिलेगा। चाहे मान लो जैसे कि 1 लाख का कोई कोर्स है, ठीक है, तो आपको 90 अगर अच्छी रैंक आ गई तो 90,000 का डिस्काउंट 10,000 में हो जाएगा। तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक SKS10 कोड के आप कर लेना सब्सक्राइब। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या बताऊँगा। बाकी दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाई मी एंड माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज संजय कुमार सर, राइट, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कॉल मी SSM सर, आई एम पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली, राइट, एंड माई डियर फ्रेंड्स आई हैव 10+ years ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस एंड द एक्स फैकल्टी ऑफ टॉप प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, आई हैव मेंटर 2 lakh स्पैरिंग कैंडिडेट्स UPSC एंड स्टेट PCS, लाइक 1000 से प्लस बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। बाकी अब बारी आपकी है, ठीक है, अब बारी आपकी है। सभी बच्चे सेशंस को शुरुआत करने से पहले आराम से चिपक के बैठ जाइए। नोटबुक वगैरह सब कोई ले लिया है? सर मैराथन सेशन कब लोगे? अभी नहीं लूँगा मैराथन सेशन, ठीक है ना, अभी नहीं। चलो पढ़ो, बहुत तुम टाइम बहुत किल करते हो, पढ़ाई वढ़ाई करना तो है नहीं, है ना। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, राइट, ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा ये तो हो गया था ना, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था एक बार मुझे बताना। कल लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, किसी को पता है? आज मैं आपको पढ़ा करके आज इसका PDF ले ही लेना मेरे से, ठीक है, क्योंकि आज अनअकैडमी के ऐप पे क्लास नहीं है, ठीक है। अगर मैं नहीं दूँ तो मुझे कॉल कर लेना, जिसके पास ही मेरा नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि आज मैं उतना ही पढ़ाऊँगा ताकि पिछले 3 दिन के क्लास का आपको PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, ठीक है। पिछले 3 दिन के क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जो सीरियस बच्चे हैं, ठीक है। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चंस कर लिया था, चलो ठीक है, शुरुआत करता हूँ, एक सेकंड बस हो गया। बताओ तो 7 का क्या क्या रूल मैंने आपको बताया था, 7 का मैंने आपको क्या क्या रूल बताया था, कैन एनीवन टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैंने आपको 7 का क्या क्या रूल बता दिया था आपको, राइट। 7 का जो रूल है वो मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, जिससे कि आप सभी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा हो, कुछ भी दिक्कत नहीं रहा हो, है ना। डिविजिबिलिटी वाइज 7 का मैंने आपको क्या रूल बताया था, राइट, है ना। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा मैं आपको जो बच्चे कल नहीं होंगे, हल्का सा रिपीट करूँगा, राइट, ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा रिपीट करूँगा ताकि आपको, देखो पहले बात मैंने आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी 6 डिजिट का नंबर है और वो रिपीटेड है 3 डिजिट्स का, कैसे रिपीटेड है आपका वो 3 डिजिट्स का रिपीटेड है, राइट, ध्यान से देखिए, वो आपका 3 डिजिट में क्या है, रिपीटेड है 3 डिजिट में, तो ऑलवेज डिविजुअल बाय 7, 11, 13, जैसे ABC, राइट, है ना, जैसे देखो 4, 5, 6, रिपीटेड है, 6 डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, रिपीटेड है, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, रिपीटेड है, 5, 9, 6, रिपीटेड है। तो इस तरीके से मुझे आप कमेंट सेक्शन में 2 ऐसा नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है, ओके। ये बात होगी, और तीसरी बात जो सेकेंडली ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट, है ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे प्यारे बच्चे, राइट, सिक्स डिजिट का ऐसा नंबर फॉर्म किया गया है जिसमें सिंगल नंबर हो, क्या हो, सिंगल डिजिट हो या सिंगल नंबर हो जो 6 times लिखा गया हो, कितनी टाइम्स लिखा गया हो, 6 times, वो ऑलवेज हमेशा डिविजिबल किससे होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 37 से, 111 से और 1001 से। UPSC अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, अगर अब इस बार नहीं आए तो हो सकता 3 साल 4 साल, मतलब ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ो कि फ्यूचर में आपको नंबर सिस्टम पढ़ने की कभी और ज़रूरत ना पड़े, केवल इसी को आप रिवाइज करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ मुझे, जैसे 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 6, ऐसे 6 times लिखा गया, ये सभी नंबर
711, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ 711 13 3 37 111 1001। ठीक है, अब देखो, अब ये सारी बातें हो गई। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, राइट, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ डिविजिबल बाय 11। आज कंपोजिट नंबर बताऊँगा, डिविजिबल बाय 11, राइट, डिविजिबल बाय 11। चलिए चलिए देखिए, इसमें भी मैंने आपको कल बताया था कि मेरे प्यारे बच्चे, इसमें डिफरेंस जो डिफरेंस होगा, राइट, जो भी आपका इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो किसका डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 11। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा ये 1331 लिखा है, राइट, है ना, अल्टरनेटिव क्या होगा, ये 1 + 3 कितना आएगा 4, 3 + 1 कितना आएगा 4, तो 4 - 4 करोगे 0। क्या ये 11 से डिविजिबल है, यस, ठीक है, क्या आएगा, यस, 7 1 2 3 4 5 5 5 5 5, राइट, है ना। अब आपको पता करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, देखो 7 2 ये और ये, 7 + 2 9 9 + 4 13 13 + 5 करोगे तो कितना आएगा आपका, इसका कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, आराम से समझो, आराम से, राइट, अल्टरनेटिव डिजिट को सम करो, फिर आप उसका डिफरेंस करो। देखो 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 5 करोगे 14, कितना आएगा इसका 14, तो 18 और 14, यानी 18 - 14 करोगे तो 4 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 9 आपका नहीं होगा। इज इट क्लियर सर, कल वाला सेशन नहीं देख पाई, वेरी गुड सोनू, लेक्चर का टाइम और रिवीजन का टाइम को आपको देखना होगा, वरना उझल जाओगे आप मेरा सेट। भाई आप आराम से पढ़ो ना, सभी लोग, आप लोग क्यों फड़फड़ा रहे हो, हैं, अगर अच्छे तरीके से आपको मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ें, राइट, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ें, फोकस करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, ओके, सेशंस को सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, सेशंस को सभी लोग लाइक कर दीजिए, इतने सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन अभी तक किसी ने, बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है, ठीक है, आराम से देखो, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, राइट, है ना। अब आप देखो, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, एक बार चेक करो। और देखो, क्वेश्चंस ये नहीं है कि सर ऐसे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, राइट, है ना, आपको इन सब चीज़ों को जानने के बाद, ठीक है, इसको आप बताओ, मैं तब तक क्वेश्चंस बता, देखो इनको जानने के बाद आपको हर एक लेवल, आपको इस लेवल तक की क्वेश्चंस की ओर आना है, ये ध्यान रखना। देखो इस लेवल तक के 72 से देखो किस तरीके के क्वेश्चंस, राइट, 99 से, राइट, है ना, 11 से, राइट, है ना, इस तरीके के अंडर रूट एक्स वाई, राइट, इसकी वैल्यू है एक्स वाई जो है 72 से क्या है, डिविजिबल है, तो वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स वाई करना है, राइट, अलग अलग लेवल के 10 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 88 है, तो 7x - 2y, यानी इस टाइप के सभी लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको पोस्ट प्रैक्टिस आपको करवाना है इस टाइप के, राइट, तो पहले आपका फाउंडेशन हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, राइट, ऑलरेडी मैं आपको आपको प्रैक्टिस करा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन आपने किया, उसका आंसर मुझे बताओ क्या हुआ, नॉट विजिबल, क्या नहीं हुआ, नॉट विजिबल, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है क्या, अच्छा नॉट विजिबल, अच्छा वो क्वेश्चंस कह रहे थे क्या नॉट विजिबल, मुझे लगा कि वीडियो इज नॉट विजिबल, मुझे लगा वीडियो इज नॉट विजिबल, ये तो दिख रहा है ना सबको, वैभव सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, आज बच्चा बहुत कम दिख रहा है, राइट, है ना, आज के क्लास में बच्चा 300 ही कैसे होगा, राइट, है ना, अगर क्लास में बच्चे अगर डेली आ रहे हैं तो बढ़ना चाहिए ना, आप लोग शेयर नहीं करते, विजिबल तो हो रहा है, विजिबल तो हो रहा है,
सबका विजिबल तो हो ही रहा है सर, विजिबल तो हो ही रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, राइट, है ना, सेशन को सभी लोग लाइक करते। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो मान लो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो जैसे देखो ये 12 दिया हुआ है, तो 12 के लिए आप किसका चेक करोगे, 4 × 3 का चेक करोगे। कुछ बच्चों के मन में आएगा 2 × मैं 6 करूंगा, तो भाई तो 2 का तो बता दिया, अभी 6 का तो बताया नहीं, तो इसको मत जाओ, 4 और 3 का चेक करोगे। अब इसको हम कहते हैं, डिविजिबल बाई कंपोजिट नंबर, राइट, डिविजिबल बाई कंपोजिट नंबर मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, राइट, है ना सर। रिविजन क्लास भी ले लो सर, यस सर, प्रॉपर चल रहा है, विजिबल है बट आंसर दो, हाँ ठीक है। अक्सर मेरी गर्लफ्रेंड बार बार मैसेज में मुझे गाली दे रही है क्योंकि मैं उससे बात करने की जगह आपकी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, यानी कि तुम्हारे इतना दुनिया में बेवकूफ़ मैंने किसी को नहीं देखा, राइट, है ना। शुक्र करो कि तुम्हारे पास बीवी नहीं है, ठीक है, अगर बीवी होती तो तुम जिस दिन तुम्हारी बीवी आएगी उसी दिन तुम पड़ोस के लोगों को बताना शुरू कर दोगे, सच बता रहा कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, है ना, मेरे साथ चलती नहीं है, मेरे साथ सोती नहीं है, मेरे साथ खाती नहीं है, मेरे साथ पीती नहीं है, मेरे साथ पब नहीं जाती है, ना डिस्को जाती है, महा ढोको लोलो, ये बकलोल बच्चा है, ठीक है। देखो 4 × 3, तो भाई डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या बताया था बताओ कमेंट सेक्शन में, सभी लोग मुझे बताओ, लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 9 का मतलब क्या बताया था, सम ऑफ ऑल डिजिट, ध्यान से दिमाग लगाना, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाई 3। तो भाई पहले आपको पहले ये मुझे बताओ, अगर ये नंबर है, अगर ये नंबर है आपका, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ, आंसर यस या नो ये मुझे बताओ, राइट, है ना, आंसर यस या नो मुझे बताओ, राइट, इज इट क्लियर माई डियर फ्रेंड। बताएं मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बताओ सर, यस 7 से क्या है सर, आपकी क्लास में बहुत बफरिंग है, आज बफरिंग हो रही है क्या, आज क्लास बफरिंग हो रही है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बफरिंग इसलिए हो रही है क्या, सेशंस को एक बार आप पहले ही लाइक कर लो, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, और आपको डिविजिबल बाई 12 पूछा, 12 को कैसे लिखोगे, 4 × 3, यानी 2 × 6 नहीं कर सकते, 4 × 3 क्यों करेंगे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 4 का मतलब लास्ट टू डिजिट बाई 4, 3 का मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट बाई 3, आराम से समझिएगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये नंबर आपका 24 है, लास्ट में क्या है, 24 है, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, यस, ठीक है। अब आपको 3 के लिए चेक करना है, राइट, 3 के लिए, तो 3 के लिए चेक करना है, तो देखो ध्यान से, देखो 3 के लिए सबसे पहले बात, 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो भी 3 के टेबल्स में आती है, राइट, है ना, आपको 4 के लिए आगे में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, 4 के लिए आगे में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, राइट, आपको पीछे से मतलब है, राइट, यहाँ पे 3 के लिए देखो 5 + 1 = 6, यस, 3 कैंसिल, 4 + 2 = 9, यस, अब आपका क्या बचा, 7 + x / 3, 7 में क्या ऐड करोगे, 7 में क्या ऐड करोगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए, 7 में क्या ऐड करोगे कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इज इट क्लियर, वेरी गुड माई डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर IAS ऑफिसर, आराम से सोचिए माई डियर फ्यूचर IAS ऑफिसर, इज इट क्लियर, यस या नो, यस या नो, राइट, इज इट क्लियर, आराम से देखना, यस yes. क्या आएगा आंसर, बहुत अच्छा जियो मेरे से, इसका मतलब एक्स की जगह क्या आएगी, 2 आएगा, 7 + 2 / 3 = 9/3, यस, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे, यानी एक्स की जगह 2 होता, कंप्लीट नंबर 5 1 7 2 3 2 4, अगर यहाँ एक्स की जगह 2 होगा तो डेफिनेटली दिस नंबर विल डिविजिबल बाई 12, ये नंबर 12 से डिविजिबल
होगा। आई होप मुझे लग रहा है जिसको भी समझ में आ रही है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SK S10, वरना आप हमें SP शाह कोर्ट का रिप्लाई करें। 11 वाला भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, 11 वाला भी मैं आपको बता दिया हूँ, राइट, ओके। अभी मैं ये सारी की चीज़ मैं आपको बताऊँगा ये क्या चीज़ है ना, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, राइट। अभी इतना जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, राइट, ओके, कौन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको 11 वाला तो मैं आपको कराती हूँ, 11 वाला, 11 वाले में देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये देखिए ध्यान से देखिए, यही है क्या, यस यस, एक सेकंड देखो मेरे पे, ये देखो, यू कैन सी हियर, ये किसी एग्ज़ाम का ही पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। आराम से क्वेश्चंस को राइट करो, आगे बढ़, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी आप अपना बढ़ाइए, आप अपने फ़ोन के एडवांस क्वालिटी में जाओ और वहाँ से इंक्रीज करो, ऑटोमेटिकली होगा, सेशंस को लाइक कर लो सभी लोग, और क्लास के आज वाली क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम पे CSAT SPACE BY SPACE SANJAY, राइट, कुमार शाह सर्च करके आप ज्वाइन कर लो, CSAT BY SANJAY KUMAR SAH सर्च करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? सर सच में नहीं दिख रहा है, निशा यादव क्या नहीं दिख रहा है सच में, क्लास सही में बफरिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं मेरी क्वालिटी कम नहीं है क्या? क्लास सही तो दिख तो रहा है, दिख तो रहा है श्रीकांत। अच्छा श्रीकांत बेटा, आज आपने फ़ोन किया था, मैं आपको फ़ोन नहीं किया, ठीक है ना, बहुत बार आपने फ़ोन किया था, ठीक है, मैं क्लास के बाद मैं आपको करूँगा, ठीक है, लिख लेता हूँ, आप भी कर लेना क्लास के बाद, ठीक है, आप कर लेना। ब्राइटनेस ज़्यादा है, मेरे क्लास का ब्राइटनेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता है सर, ये लो, ये लो, आराम से सोचो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, इतना वक्त नहीं है समय के पास, इतना वक्त नहीं है कि समय आपके पास दोबारा चल के आए, राइट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या नहीं तो सीखता हूँ, ये UPSC पेरेंट्स के लिए ये शब्द है। इसलिए अगर करनी है, अगर करनी है UPSC प्रिपरेशन की शुरुआत, तो जुड़े रहिए SKS10 कोड के साथ। इज इट क्लियर? डी वेरी गुड, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, गिव अप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मैं ध्यान से बताता हूँ, 11 का मतलब क्या होगा, देखो देखो, 2+5 7, 7+4 करोगे 11, 3+6 9, 9+1 करोगे 10, 1 नहीं आएगा, 2+5 7, 7+4 करोगे 11, 4+6 10, +2 करोगे 12 नहीं आएगा, 3+5 8, +2 करोगे 10, 1+6 7+4 11 ये भी नहीं आएगा। अब यही आएगा, डी आएगा, डी बचा तो डी आएगा, लेकिन चेक कर लो, 4+5 9, 9+2 11, 1+6 7 7+4 11, 11-11 गया तो 0। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर IAS ऑफिसर? इज इट क्लियर? यस, नो सर, क्लास बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ओके। अभी देखो और देखो मेरे प्यारे बच्चे, और देखो ऐसा क्वेश्चंस देख रहा है आप, अच्छे आराम से समझो, आराम से अच्छे तरीके से पढ़ो, स्लोली पढ़ो, राइट, है ना, स्लोली पढ़ने का मतलब दिमाग का ढक्कन धीरे धीरे आपका खुलेगा, एक ही बार में नहीं खुलेगा महा ढोको लोलो, एक ही बार में नहीं खुलेगा। अब देखो कैसा क्वेश्चन दे दिया, ये देखो अब कैसा क्वेश्चन, अ नंबर विद दिस इज डिविजिबल बाई, अभी धीरे धीरे बेसिस फाउंडेशन, क्या ये नंबर 11 वाला भी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दिया, 9 वाला भी करा दिया, 4 वाला भी करा दिया, और डिविजिबल बाई नन ऑफ द एबव वाला भी करा दिया,
आराम से सोचो, आराम से मेरे प्यारे बच्चे, राइट। अंकित मन में शिफ्ट हो गया बफरिंग, सिखा भी क्या रही, बफरिंग हो रहा है, क्या चक्कर है यार। आज बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, कभी कभार तुम लोग सठिया जाते हो क्या मेरे लिए, ऐसा बोलते थे सफरिंग बफरिंग, राइट। अपना फ़ोन क्वालिटी आप बढ़ाइए ना सर, आपके 3 बजे वाली क्लास नहीं मिलती है यूट्यूब पे, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, राइट। व्हाट्सअप पे हो तो अपना नंबर सेव करवा लो, स्टेटस मेरा देखते रहो, राइट। आपको मेरा स्टेटस दिखना चाहिए, राइट। आपको मेरा क्या कहते हैं वो DP दिखना चाहिए, ओके। आराम से सोचें, प्लीज़ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। स्लोली स्लोली आराम से, अब मैं आपको डिविजिबिलिटी बाई कंपोजिट नंबर बताऊँगा, ओके। आराम से सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। इसमें 77 डिजिट रिपीट हो रही है, 77 डिजिट रिपीट हो रही है, तो अब सोचो क्या हो सकता है। 77 डिजिट रिपीट होगा तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट आपको कराया नहीं। तन्वी कह रही है सर आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, राइट। कर दूंगा रिप्लाई, फिर से कर देना। रीना की रसोई सर, नंबर आपका, वेरी गुड महेंद्र प्रताप। नहीं हो रहा है सर बफरिंग बिना, फ़िलहाल तो मैं फ्री लेक्चर देख रही हूँ, टॉपिक्स की बुक क्लियर नहीं होते। सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, गप्पा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, CSAT बाई संजय कुमार सा। सर मैंने भी मैसेज किया था आपने, ईज केमिस्ट्री क्या हालचाल है, ये बहुत दिनों से देखते हैं लाइव। ईज केमिस्ट्री आराम से, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमॉन कमॉन माय डियर फ्रेंड्स, कमॉन 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 कमॉन, आराम से स्लोली स्लोली, यस यस यस, वेरी गुड। वेरी गुड, देखो मैं आपको बताता हूँ, राइट। देखो लाइव देखोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर आप लाइव देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, रिकॉर्डेड देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि आप सभी लोग लाइव आओ, ठीक है। लाइव आओगे तो क्लास को है ना, अभी 1 घंटा कर रहा हूँ, सुनो आप, 1 घंटा कर रहा हूँ, 1 घंटे की जगह जो है ना मैं 1.5 घंटे कर दूँगा, कैसा रहेगा आप लोग मुझे बताइए। अगर 1 घंटे की जगह अगर आपकी क्लास 1.5 घंटे कर दूँ तो सही रहेगा, राइट, है ना। देखो मैं अब आपको बताता हूँ, अगर 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे कर दूँ तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिए, ये नंबर 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 4 का मतलब लास्ट टू डिजिट 74/4 आपका नहीं होगा। 9 का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, 9 का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो भाई अगर आप 9 से करो तो 8+1 9, ये वाला 9 कैंसिल, 2+7 9 कैंसिल, राइट, ये इतना कैंसिल, 4+5 9, 8+1 9 कैंसिल, राइट, है ना। अब समझो ध्यान से, राइट, है ना। और क्या है ये 7+2 9 कैंसिल, ये क्या बचा आपका 5, 9 और 4, तो 5+9+4 कितना आएगा 18, 1+8 9, यस, इसका मतलब आंसर क्या होगा, केवल और केवल बी। 9 में भी वैसे ही चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाय सम आए आपको सीधा सॉल्व करके आगे बढ़ना है, आराम से समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारा कराऊंगा, राइट, है ना, ये सब सारे हर एक लेवल के क्वेश्चन होगा, राइट, है ना, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो क्या लिखा 12th, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए देखिए, अब जो मैं आपको करा रहा हूँ ये चीज़ें आपको शायद आपको नहीं मिलेगी जल्दी अगर आपने इसको सही से नहीं देखा तो, राइट, है ना। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए, देखो सभी लोग, राइट, अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए, डिविजिबल बाई कंपोजिट नंबर, हेडिंग लिखिए डिविजिबल बाई कंपोजिट नंबर,
इसी कॉन्सेप्ट से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी अब, और आप हो जाओगे कंफ्यूज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आपका 6 हो गया, 15 हो गया, 33 हो गया, 12 हो गया, 45 हो गया, 88 हo gaya, 99 हो गया, 120 हो गया, 72 हो गया, राइट, 72 हो गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, राइट, है ना, जिसको आप इस तरीके से सॉल्व करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, राइट राइट, 99 हो गया, 120 हो गया, 72, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नंबर होना चाहिए जो कंपोजिट नंबर है, राइट, जैसे 6 है, तो 6 में कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर, कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे प्यारे बच्चे, राइट, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन, सर 7 बच रहा है, कौन सा 7 बच रहा है, पिछले वाले में 7 बच रहा था क्या, पिछले वाले में 7 बच रहा था क्या, एक सेकंड रुको, पिछले वाले में 7 बच रहा था क्या, तुम लोग बचाते बताते क्यों नहीं हो मेरे को, है मैं एक्चुअली आज मेरा जो है ना सर भी दर्द कर, कहाँ 7 बच रहा है, यहाँ पे 7 बच रहा था क्या, एक सेकंड रुकना, ये तो डिलीट भी नहीं, हटेगा भी नहीं, इसमें 7 कहाँ बच रहा है तो हो तो रहा है, ये 7 और 29 हो गया, ये वाला 729 कहाँ बच रहा है, 7 9 से, अच्छा रुको तो एक सेकंड रुको तो, अब मैं इसको यहाँ से, अच्छा रुको मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको रुको रुको, मुझे चेक करने दो, रुको, 5 8 1 2 9 7 4 5 8 1 2 9 7 4, मैंने आपको क्या बोला, डिविजिबल बाय 9 बोला, राइट, देखो तो 8 + 1 9 कैंसिल हो गया, 2 7 9 कैंसिल, ये वाला 9 कैंसिल, 5 + 4 9 कैंसिल, 8 + 1 9 कैंसिल, ठीक है, ये वाला 9 कैंसिल, 2 + 7 9 ये कैंसिल, आपका क्या बचा, 4 और ये बचा 5, 4 और 5 9 का, ये ढोको लोलो हो गया, तुम लोग सच में महा ढोको लोलो हो यार, राइट, सच में हैं, सच में ये डिविजिबल तो है ना। अब 11 से चेक करते हैं, एक सेकंड रुको तो 11 से चेक करता हूँ, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 4 19, + 8 27, + 2 29, 29 + 7 कितना आएगा आपका, 36। अब 11 से चेक करता हूँ, 36, राइट, 8 + 2 10, 10 + 7 17, +5 22 22 + 1 23 23 + 9 32 32 32 + 4 36, अरे पा 0, ओ माय गॉड, ये ए और बी, तब ओ हो मुझे पता चला मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर महा ढोको लोलो है, मैंने इसको क्वेश्चंस बना के दिया था, मैंने ये लिखा था डी ऑप्शन में, बोथ ए एंड बी, आंसर क्या होगा, डी, बहुत अच्छा, जियो मेरे से, राइट, जियो, वेरी गुड, सभी लोग, अच्छा लगता है यार आप लोग मेरे गलती को भी ढूंढते हो, वाह, माँ सरस्वती आपको ऐसे ही शक्ति दे, मेरे गलती को ढूंढते रहे और आप आगे बढ़े, क्योंकि गुरु गुण और चेला चिन्नी, ठीक है, आराम से हम बदल देंगे आपका सोच, अगर आप हमें बनाओगे अपना क्या कोच। कंपोजिट नंबर का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दो से अधिक, शुरुआत से आप इस चैनल पे पूरा सी सैट वाली वीडियो देखिएगा, मोर देन टू फैक्टर। अब देखो, कभी भी जब ऐसा क्वेश्चंस है, राइट, है ना, कभी भी जब ऐसा नंबर, ऐसा क्वेश्चंस है, राइट, है ना, तो सबसे पहली बात, ये जो कंपोजिट नंबर टाइप का ये चीज़ें दी होगी, आप इसको जो है ना, इसको कभी भी आप डिविजिबल करोगे, राइट, है ना, तो आप इसको को प्राइम नंबर से डिवाइड करो, किस नंबर से,
को प्राइम नंबर, क्या होता है को प्राइम नंबर हिंदी में, इसको हम सह अभाज्य भी कहते हैं। कोई बता सकता है को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? सवाल, को प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं, को प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जो एक ही नंबर से, राइट, ऐसा नंबर जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो, ऐसा नंबर जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो। जैसे देखो, जैसे मान लो टू और ये थ्री है, तो भाई दो से दो कट जाएगा लेकिन तीन नहीं कटेगा, राइट। थ्री से थ्री कट जाएगा लेकिन टू नहीं कटेगा, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, राइट, प्राइम नंबर, राइट, है ना। फिर से देखो, जैसे मान लो ये एट है और ये फिफ्टीन है, राइट, तो एट के जो फैक्टर होंगे वो फिफ्टीन में नहीं आएंगे, फिफ्टीन का जो फैक्टर होगा वो एट में नहीं आएगा। कहने का मतलब को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, एक और भाषा में जिसका आप सीधी सीधी बात समझो, जिसका एच सी एफ जो हो वो वन हो, एच सी एफ। एट से फिफ्टीन नहीं कटेगा, फिफ्टीन से एट नहीं कटेगा, फिफ्टीन के टेबल में जो फिफ्टीन जिसके जिसके टेबल में आएगा उसके टेबल में एट नहीं आएगा, एट के फिफ्टीन नहीं आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ नाइन और ट्वेल्व क्या होगा? नाइन और ट्वेल्व क्या आपका को प्राइम नंबर है? किसी के पास है सर का व्हाट्सअप नंबर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, भाई साहब जा कर के टेलीग्राम सर्च ज्वाइन करो ना, वहीं पे आपको दिख जाएगा। क्यों घबरा रहे हो, राइट, है ना, आप अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, राइट, है ना, आप मत घबराइए। देखो नाइन और ट्वेल्व इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये है ये नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई थ्री आता है, थ्री से नाइन भी कटता है, थ्री से ट्वेल्व भी कटता है, और इसका एच सी एफ वन नहीं होगा, एच सी एफ थ्री, इसलिए ये नहीं है। अब आगे बात समझ में। अच्छा, सिक्स और एट बताओ, तो क्या सिक्स और एट है? क्या आपका सिक्स और एट है? सिक्स और एट है, सिक्स और एट भी नहीं है, क्योंकि सिक्स मान लो टू, टू थ्री जा, टू फोर जा, इसलिए ये भी आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फोर और थ्री बताओ तो, फिफ्टीन और सेवनटीन बताओ तो, क्या ये प्राइम नंबर है? कहने का मतलब को प्राइम नंबर है, यानी ये जितनी भी चीज़ें दी हुई है इसका फैक्टराइजेशन को प्राइम नंबर करना है, फिर जा कर के आप उसको चेक करोगे, तब जा कर के आपका सही आंसर आएगा। और ऐसा भी एक स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है, राइट, है ना, कंपोजिट नंबर इज द डिविजिबल बाय प्राइम नंबर, इज द डिविजिबल बाय को प्राइम नंबर, तो आपको वहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। सर वी मेक नोट्स इन अ क्लास देन देयर इज नो नीड ऑफ पीडीएफ बिकॉज पीडीएफ इज अवेलेबल इन मोबाइल एंड रिमेंस इन मोबाइल ओनली। वाह अंकित सिंह, वेरी गुड, जियो मेरे सेट। सेशंस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने जवानी की आग बुझाते रहो, ठीक है। अब देखो मेरे प्यार बच्चे, अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग। जैसे देखो, जैसे सिक्स है तो सिक्स का को प्राइम नंबर क्या आएगा? टू इंटू थ्री, राइट। फिफ्टीन है तो फिफ्टीन का क्या होगा मुझे बताओ, फिफ्टीन का क्या होगा? फाइव इंटू थ्री, फाइव से थ्री, थ्री से फाइव नहीं कटेगा, जो जिसके टेबल में फाइव आएगा उसके टेबल में थ्री नहीं आएगा, इसका एच सी एफ वन है, राइट। थर्टी थ्री का देखो क्या करोगे, इलेवन इंटू थ्री, यानी कि अगर कहीं भी इसको पहले नोट डाउन करो, हाय, वेरी गुड। अच्छा देखो, अच्छा 12 का बताओ तो, 12 का क्या करोगे, 12 को कैसे चेक करोगे? अगर कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है तो 12 के जगह आप किस किस से चेक करोगे, एक बार बताओ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में, आराम से मुझे बताइए। 12 के लिए आप क्या चेक करेंगे? वेरी, देखो एक बच्चा कह रहा है 2 into 6, वहाँ ढोको लो लो, ये कह रहा है कि 2 into 6 क्यों करे हुए, 2 into 6 करोगे तो 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका एच सी एफ भी वन नहीं आएगा, ये नहीं होगा, 2 into 6 नहीं होगा, 4 into 3 होगा, 4 से 3 नहीं कटेगा ना 3 से 4 कटेगा। आ रही बात समझ में? यस। 45 का बताओ तो, 45 का बड़े आसान है बता दोगे, 5 into 9, 88 का बताओ, 88 का बताओ, आराम से बताओ, आराम से सोचिए। सभी लोग सेशंस को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। यस,
बहुत अच्छा, जियो मेरे से। देखो ध्यान से आराम से करो, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो एक बच्चा कह रहा है कि 22 × 4 गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 से 22 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, ऐसा दोनों नंबर किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए आपस में, राइट। ना 44 × 2 होगा, इसका होगा 11 × 8 होगा, ये ध्यान। इस पर चेक करोगे तो फंस जाओगे, 11 और 8 से चेक करोगे तो कभी नहीं फंसोगे, राइट, है ना। अच्छा अच्छा 99 का कैसे करोगे, 99 का 11 × 9। 120 का कैसे चेक करोगे, कोई बताओगे, 120 का, 120 का आप कैसे चेक करेंगे, 120 का अगर कोई नंबर 120 से डिविजिबल है तो कैसे चेक करें। सर आई हैव ज्वाइन टुडे बट एवरीथिंग इज क्लियर, एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, ओके ओके ओके, टेलीग्राम वेरी गुड, जूही जून, वैभव, ऋचा पांडे, रजाना, संजय, इरशाद, बहुत अच्छा। देखो देखो वैभव कह रहे हैं कि सर 10 × 12 होगा, 10 × 12 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो 10 और 12 करोगे ना तो देखो 2 से 2 5 जा 10 2 6 जा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ऐसे, ध्यान रखिए सेम नंबर से डिवाइड ना हो। तो इसका कैसे लिख सकते हो, 120 का आप 15 × 8 करोगे, 15 × 8, देखो 15 जिस चीज़ से कटेगा वो 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा तो 15 से नहीं कटेगा, बात समझ में आ रही, आज समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आशा कुमारी कह रही है 40 × 3, आशा कह रही है कि सर 40 × 3, 3 से करोगे 40 में, 13 × 3 = 39, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, 14 × 3 लिख सकता है, लेकिन 14 को आप क्या लिखोगे, 40 को आप क्या लिख सकते हो, 8 × 5 लिख सकते हो, तो इससे अच्छा 8 × 5 × 3, इससे अच्छा 8 × 15, ठीक है कोई बात नहीं, हर आपका सही है, क्योंकि 40 को भी तो आप ब्रेक करोगे, 40 को भी तो बेटा 24 × 5, अब देखो ईज केमिस्ट्री कह रहा है 24 × 5, 24 का फिर आपको तो रूल तो नहीं पता है ना, जिसका रूल पता है उसी के अकॉर्डिंग सोचोगे ना सर। अच्छा 15 का नहीं पता है तो 15 को आप क्या करोगे, 5 × 3 कर लोगे, 5 × 3 × 8 कर लोगे, दैट्स इट द सिंपल पॉइंट, राइट। 72 को क्या करोगे, 72 को क्या करोगे, 72 को, 72 का बताओ, देखो एक मार ढोको लोल है 6 × 12 का रहा है, बताओ 72 को 8 × 9 करोगे, ये बात समझ में आई सबको, अगर आपको समझ में आ रही है, कल अनअकैडमी पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी एडमिशन लेना है इसी कोड का यूज करेंगे, किसी भी कोर्सेज के लिए पूरे अनअकैडमी पे, किसी भी एजुकेटर का, चाहे IIT हो, नीट हो, मेडिकल हो, UPSC हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, लॉ, कैट, किसी भी डिफेंस कैटेगरी में, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, शशि भूषण, श्रीकांत, इतनी बात समझ में आ गई, अभय, पूर्णा, अंशुमान, निजामुद्दीन अंसारी, वेरी गुड, जियो मेरे सिर, अमीषा पटेल, सिमरन, मधावी सिक्का भी है, मधावी सिक्का का भाई सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेसन करिए, बेचारी पिछले साल भी बहुत देखी क्लास, क्या हुआ मधा कि इस बार आपका CSAT हुआ कि CSAT क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शायद आपका CSAT क्लियर हो गया ना, अब GS में ही मुझे लगता है शायद आप अटक गए, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपका मैसेज जो मुझे मिला था WhatsApp पे, क्या हुआ सिक्का को एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन सभी लोग कर दीजिए, बहुत टाइम से लाइव क्लास देख रही है। ठेकू डॉक्टर सुप्रिया, आशु सैनी, मन मोनी देवी, देखो मधावी सिक्का जी सर क्लियर, इसका क्लियर था सर, NCERT स्टार्ट कीजिए सर, आपका बैच लेना है CSAT का, NCERT भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो देखो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, है ना, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, है ना, आपको बताना है, राइट, है ना, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन फाइव, अच्छा देखो मैं क्वेश्चंस में लिख के लाया था, चेक करके आया था, एक सेकेंड रुकियो 512020 बी ऑप्शन, 512003 सी ऑप्शन, 23001 डी ऑप्शन, 532001
ये नंबर आपको बताना है कि 45 से डिवाइड है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 45, डिविजिबल बाय 45, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 45। सेलेस्टीन, दिस इज द टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, राइट? इफ यू हैव यू रिट क्वेश्चन, सबने नोट डाउन कर लिया? कुणाल कुमार, यस, यस। सेशंस को सभी लोग लाइक करो, शेयर करो, राइट, है ना यार? आज क्लास नहीं लेना है अनअकैडमी के पे, राइट, है ना? कल कितने बजे की क्लास लगा दूँ? आराम से सोचिए, आराम से सोचो। नन इज डिविजिबल बाय 45, ऐसा क्या हो गया भाई? नन इज डिविजिबल बाय 45, हिमांशी, ऐसा क्या हो गया? कोई सा डिविजिबल नहीं है क्या? कोई सा भी डिविजिबल नहीं है क्या? देखो तो, रुको तो, 45 के लिए आप किस किस से चेक करोगे? 45 के लिए आप किस किस से डिविजिबल करोगे? 45 से हाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 45 के लिए आप 9 इंटू 5 से चेक करोगे और 9 तो आपका हुआ ही नहीं, राइट? सही बात है, किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट? 9 इंटू 5 से, बहुत अच्छी बात है, राइट? बहुत अच्छी बात है, राइट, है ना? आई होप मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हो, राइट? अब देखो मैं आपको सीधा एक थोड़ा टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस की ओर आ रहा हूँ, राइट? जैसा क्वेश्चंस का हम लोगों का डिमांड है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप पेशेंस रखिएगा, अच्छे तरीके से पेशेंस रखिएगा, ठीक है? पेशेंस रखिएगा, राइट? रुको, अभी रुक जाओ, इस टाइप क्वेश्चन जहाँ मैं रुकूँगा, अभी इस इधर भी रुक जाओ। हाँ, राइट, अभी आप इधर भी रुक जाओ, इधर भी रुक जाओ, हाँ इधर रहने दो अभी, क्या कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्या? इधर भी रुक जाओ, अभी रुक जाओ आप पहले। नहीं नहीं पहले से, एक सेकेंड, पहले आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चंस हुआ नहीं ना था, अभी नहीं हुआ था, पहले एक बार आप इस क्वेश्चंस में देखो, राइट? इफ द सिक्स डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अभी एक एक करके देखो, फिर दोनों को देखना, आराम से क्वेश्चंस को राइट जरूर करते चलिए। नवीन,
कल क्लास किस टाइम में? डेली क्लास 10 PM स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चे, राइट, है ना। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ना, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, CSAT by Sanjay Kumar Shah। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए यार। आँख पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये हिस्सा है ना फटा जा रहा है, ऐसा क्यों? कोई डॉक्टर है तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। सोया नहीं हो इसलिए क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सोने नहीं सोने की वजह से ऐसा हो रहा है। ये क्वेश्चंस कब करा दिया पहले के क्लास में? ये कब करा दिया? ये तो क्लास भी नहीं हुई। कप्तान साहब, ऋचा शुक्ला कह रही सर क्लास एंड करिए अब प्लीज़। क्यों करें? पढ़ाई करो ना, मेहनत करो ना। पढ़ना नहीं है क्या? हैं, अज्ञानी मजबूरी में जीता है और ज्ञानी मजबूती से जीता है, राइट। ये आपको ऊपर डिपेंड करना होगा, राइट, कि आप किस तरीके से जीना चाहते हो, राइट, ओके, इज इट क्लियर? इसलिए हमेशा कहता हूँ माय डियर, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उस पर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्शन की मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। ओके, यस सर, नींद नहीं कंप्लीट होगी सम की वजह से। पढ़ना है सर, पढ़ना तो है सर, सुबह उठना भी तो है। वाह, तो भाई कहाँ कह रहा हूँ, आप नहीं पढ़ो। ओके, देखो एक्स का मतलब है तो 88 का मतलब क्या होगा आपका? 11 × 8। तो और 8 का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताओ। अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करना है तो क्या करोगे, राइट? 6x2 9 0 4। 8 का मतलब क्या होता है सर? 8 का मतलब कमेंट करके बताओ, लास्ट 3 डिजिट। तो इससे क्या होगा, आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, 904 है। तो क्या 904 आपका 8 से डिविजिबल है? 11 8 जा 88 2 4 8 3 जा 24, आंसर आएगा यस। अब आपका 11 का चेक करना है, राइट, है ना, आपका 11 का। तो देखो कैसे करना है, 6 + 2 8 8 + 0 8 आया, 8 आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 4 + 9 13 13 + x 13 + x। देखो भाई, अब या तो 11 आना चाहिए या नहीं तो 11 के मल्टीपल आना चाहिए। देखो, अगर आपने x की जगह अगर आपने 5 पुट किया, राइट, है ना, ऑप्शन नंबर ए, राइट, है ना, राइट, अगर 13 + x की जगह 5 किया तो 18, तो 18 माइनस का 8 करोगे तो क्या आएगा, 10। ये नहीं है, राइट, 6 है। 13 + 6 करोगे तो 19 माइनस का 8 करोगे 11। यस, आंसर क्या आएगा आपका? बी होगा, और कहीं भी नहीं होगा, ना सी होगा आंसर, ना डी होगा, आंसर बी होगा। आप देख रहे हो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। कप्तान साहब कह रहे EPFO में आया था ये क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, लिखो कमेंट सेक्शन में। अरे वाह मज़ा आ गया, अरे वाह मज़ा आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग नोट डाउन करिए। यहीं पे थोड़ी देर क्लास और पढ़ लो, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। ये वाला अभी कराया था कि नहीं कराया था, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द 7 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 72। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक्स और वाई वाला भी कराऊंगा, फिर पेयर ऑफ एक्स वाई भी कराऊंगा, फिर आपको डिविजिबिलिटी चीज़ें भी कराऊंगा। अभी हुआ नहीं इतना जल्दी, ये मत सोचना, राइट, है ना, अभी मत सोचना। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा आप उतना पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए, इसी को आप रिवाइज करते चले जाइए, राइट, है ना। तो देखो, अगर आप 72 का चेक करोगे तो पता है 72 का क्या चेक करोगे, 9 × 8, राइट, और 8 का आपको पता है, देखो 9 का आपको क्या पता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, और 8 का
लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, राइट, लास्ट 3 डिजिट 8 का, राइट, 8 का कितना है, लास्ट 3 डिजिट। अब देखो 0x2, यहाँ ऑप्शंस भी पुट करोगे तो आप बढ़िया, इसका आंसर तो देखते ही पता चल रहा है, इसका आंसर तो देखते ही पता चल रहा है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, देखते देखो 9 के ऊपर तो जाना भी नहीं है, 9 पर जाना भी नहीं है। आपको पता है भाई, देखो 0x2, 0 को तो चलो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं, x, x का मतलब 1 2 करोगे, 1 2 इज डिविजुअल बाय 8, नो, राइट, 1 2, 8 2 इज डिविजुअल बाय 8, नो, 7 2 डिविजुअल बाय 8, यस, आंसर क्या आएगा, सीधा सी आएगा, सीधा सी आएगा। आ रही बात समझ में, बात आ रही है समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा डन करते हुए चले जाओ, राइट, है ना। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ओके, यस या नो, राइट, है ना, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ चलते, इसमें देखो इफ़ अ 9 डिजिट नंबर, आराम से देखना मेरे प्यारे बच्चे, 9 डिजिट नंबर, दिस इज डिविजिबल बाय 72, तो वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y इज, आराम से सोचो क्वेश्चंस को नोट डाउन करके, राइट। सर मैंने सबसे पहले बताया था भाई, 3-4 मिनट बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस के साथ रहो। विशाल अग्निहोत्री, आराम से सॉल्व करो, इसमें थोड़ा इट इज़ द टाइम टेकिंग क्वेश्चन, प्लीज टी सेशंस को लाइक करिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लिया, अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर लीजिए, राइट, है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे सेशंस को लाइक करें, सर रीजनिंग कराएंगे आप इस बार वीकेंड में, हाँ सही बोला सिमरन ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस बार रीजनिंग की क्लास वीकेंड में रख दूँ, इस बार आपका रीजनिंग की क्लास वीकेंड में रख दूँ, या नहीं तो कल रख दूँ, कल रीजनिंग की क्लास रखता हूँ सर, देखता हूँ रीजनिंग में, लेकिन ब्लड रिलेशन से शुरुआत करूँगा मैं, ऐसा सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बार ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, राइट, है ना, ठीक है, देखेंगे। आराम से सर, आप बंगाली हैं क्या? हाँ भाई मैं बंगाली हूँ, और मैं तो बंगाली हूँ, आसनसोल से। आप कहाँ से हो सर? 11 में आगे पीछे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या सर? सर टेलीग्राम PDF का आंसर की कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा श्वेता मिश्रा। मिस्टर विक्की गौतम, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस 10 बजे से होती है, बस 2-4 मिनट बाद क्लास ख़त्म होने वाला है। देखो बेटा, ध्यान से देखिए, 72 का मतलब 9 × 8 होता है, 9 का मतलब सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, उसका मतलब अभी नहीं होगा, अभी पहले हमें 8 पर जाना है, तो भाई 8 के ओर अगर हमें जाना है तो हमें लास्ट 3 डिजिट को देखना है, 7 8 ऑफ y, देखो 9 से करोगे तो 9 8 जा, सर 9 से नहीं 8 से, 8 9 जा 72, 6 आया भाई, y की जगह क्या आएगा, तो y की जगह आपका 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो 8 7 जा, अरे 6 8 है ना, तो 6 थोड़े आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 8 8 जा 64, आ रही बात समझ में? इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, तो y की जगह क्या आएगा आपका, 4 आएगा, कितना आएगा 4, इस प्रकार आप हो जाएगा 9 8 5 x 3 6 7 8 ऑफ 4, बात समझ में आ रही है सबको? ये बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ से y की जगह 4 होगा, इज इट क्लियर? मेरा रेलवे स्टेशन आसनसोल डिवीजन पड़ता है, ओके सर, रनिंग की क्लास कितने बजे होगी, कितने टाइम होती है सर? तो सर आपने बताया नहीं टेलीग्राम पे, जो PDF क्वेश्चन है उसका आंसर क्या चाहिए था, आंसर पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। अब देखो बेटा, राइट, 8 का हो गया, अब 9 का देखो, 9 का क्या, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, देखो 9 का, 9 कैंसिल, 6 + 3 9 कैंसिल, जो 9 से कट सकता है, राइट, ध्यान से देखो,
देखो ध्यान से, अब यह कितना है, 8 प्लस 5 प्लस एक्स 7 प्लस 8 प्लस 4, तो 8 और 5 13, 7 20, 8 28, 28 और 4 32, 32 प्लस एक्स 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20, 13 प्लस 8 20, 13 प्लस 8 प्लस 5 13 प्लस 7 28, 32 प्लस एक्स। अब x की जगह क्या आएगा, जो 9 से डिवाइड, x की जगह क्या आएगा आपका, 4 आएगा, 32 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, राइट है ना, 32 प्लस 4 करोगे तो आपका कितना आएगा, 36। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो, राइट, इसका मतलब x की जगह भी 4, y की जगह भी 4, राइट है ना। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 4x माइनस का 3y, तो 4 इंटू 4 3 इंटू 4 16 माइनस का 12 इक्वल टू 4, आंसर आएगा आपका बी। इज इट क्लियर माई डियर फ्रेंड्स, सबको बात समझ में आ रही है, बी विल बी योर आंसर, बी विल बी योर आंसर, बी विल बी योर आंसर। तान्या ठीक है, सभी लोग आराम से समझें, फोकस करें, राइट। इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया तो वन टाइप करो फटाफट, प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तीन क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, राइट। अभी मेरे प्यारे बच्चे, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट, इज इट क्लियर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट है ना। तीन क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टफेस्ट देना चाहता हूँ कुछ, हाँ एक क्वेश्चन इसका ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, प्लीज़ टेक योर स्क्रीनशॉट, प्लीज़ टेक योर स्क्रीनशॉट, राइट, इज इट क्लियर। आज वाले क्लास के पीडीएफ आपको शेयर कर दूं, आज वाले क्लास का पीडीएफ आपको क्या मैं शेयर कर दूं टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, क्या मैं आज वाली क्लास का, देखो हमेशा सेशंस को हमेशा ऐसे लाइव देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ से यूपीएससी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछेगी ना, मैं वहाँ आपको सारा करा दूँगा ए टू जेड चीज, बस आपको हमेशा ऐसे ही लाइव आ कर के देखना है, लाइव आ कर के आपको इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, ताकि सेशंस के साथ आपको कनेक्टेड रहना है। क्योंकि देखो जिस प्रकार यूपीएससी ने अपना पैटर्न को चेंज किया है, राइट है ना, जिस प्रकार, राइट, उसी पैटर्न पे आपको क्लासेस मिलती है। कोशिश करना इस तरीके से पढ़ लो कि 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आए तो एटलीस्ट आप उसको रिवाइज करके सॉल्व कर सको। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी सभी लोग सेशंस को लाइक कर दिए, राइट है ना, कौन कौन सेशंस को लाइक और शेयर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी को अनअकैडमी की तरफ से कोई भी कॉल आ रहा है, राइट, कुछ भी आ रहा है, राइट, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज दिस रेफरल कोड या प्रोमो कोड, इस कोड को यूज करके आप मेरी ही क्लास में सभी एजुकेटर की क्लास, चाहे मृणाल सर हो, चाहे आप यहाँ पे सिद्धार्थ अरोड़ा सर को, किसी भी सभी एजुकेटर की क्लासेस को आप एक्सेस करोगे और सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप पढ़ सकते हो, राइट। इज इट क्लियर, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके, और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, एंड ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड SKS10। और थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक से जरूर करना, आंसर जरूर बताना, कैसे लगी क्लास वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। और चलिए, लेट्स क्रैक इट एंड गॉड ब्लेस यू, खूब मेहनत कीजिए, राइट, अच्छे तरीके से हार्डवर्क करिए, रिपीट एंड रिविजन करिए। सर जी आप अपना काम आराम से सो जाना, तो हेडेक बंद हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू, हाय, वेरी गुड, थैंक यू।